see the question. The question says a salt bar magnet of magnetic moment M is equal to 0.32 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Then if the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? Then what is the potential energy of the मैग्नेट इन ईच केस? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जिस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है बेसिकली वो है 0.32 जूल पर टेस्ला, ठीक है? और दूसरा बात, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना वो दे रखा है 0.15 टेस्ला, ठीक है? अब बोला कि अगर बार को हम फ्री कर दें, मतलब रोटेट फ्रीली रोटेट करेगा बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में, तो दो केस है, पहला स्टेबल, ठीक है, और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा, राइट, क्या यहाँ पे की कंसेप्ट है, ठीक है? तो जब यहाँ की कंसेप्ट पे बात करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, या हम बोल सकते हैं इसको एम डॉट बी, राइट. तो माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा. अब देखो, जब पहला केस बोल रहा है, मतलब कि जब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेट का जो एक्सिस होता है वो एंगल बना लेता है 0 डिग्री का, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. तो यहां हम लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम B cos 0 डिग्री, m का वैल्यू हमें दे रखा है 0.32, राइट, और b का वैल्यू हमें कितना दे रखा है बच्चों, b का वैल्यू हमें दे रखा है 0.15, ठीक है? अगर हम बात करते हैं बच्चों cos 0 का, तो वो वैल्यू कितना होता है, वो वैल्यू होता है 1, ठीक है? अब अगर यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, तो ये आता है बेसिकली माइनस ऑफ 4.8 क्रॉस 10^-2 जूल, 10^-2 जूल. तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, तब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आता है वो बेसिकली इतना आता है. सिमिलरली जब सेकंड केस पे हम बात करते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट. तो थीटा जब 180 डिग्री होगा, तो यू का वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी कॉस 180 डिग्री. अब कॉस 180 डिग्री होता है माइनस ऑफ 1, तो माइनस पहले से और माइनस ऑफ 1 मतलब हो जाएगा ये पॉजिटिव, और एम का वैल्यू सेम है, बी का वैल्यू सेम है, मतलब जो एनर्जी हम पहले फाइंड कर चुके हैं वही एनर्जी किस में आ जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव में आ जाएगा, जूल. तो बेसिकली बच्चे हमें इस क्वेश्चन में दो बातें पूछ रहा था कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया होगा. आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.